भी है दूध में मिलावट, हर रास से पर्दा उठाती दी इनसाइड स्टोरी दूध की दहशत। देश भर में लोगों की सेहत बिगड़ती जा रही है, नई नई बीमारियां फैल रही हैं। आखिर पिछले कुछ साल में ऐसा क्या बदला है जिसने बीमारियों से लड़ने की ताकत को खोखला कर दिया है, कमजोर कर दिया है? इसके कई जवाब हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह में से एक है दूध। आखिर कौन है वो जो रगों में जहर भर रहे हैं? उन्हें खोजने और सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए जी न्यूज की मुहिम शुरू हो चुकी है। चाय के साथ होगा सूरज और राजधानी दिल्ली में मिलावटी दूध के खिलाफ मुहिम एक बार फिर शुरू हुई। जी न्यूज की टीमें भी छापामार टीमों के पीछे लग गई, फटाफट दूध के सैंपल लिए गए। छापेमारी की ये पूरी कहानी हम आपको बाद में दिखाएंगे। जिस दूध के सैंपल लिए जा रहे हैं उससे बनी चाय के बिना उगता सूरज भी अधूरा सा दिखाई देता है। और फिर शुरुआत होती है दिन की भागदौड़ की, नाश्ते में भी यही दूध या इससे बनी चाय चाहिए और बिना मक्खन के भी नाश्ता अधूरा है जो इसी दूध से निकाला जाता है। दिन भर की भाग दौड़ में शरीर को चुस्ती देने के लिए भी बार बार चाय की जरूरत पड़ती है और रात को तो ये दूध न पिया जाए तो नींद ठीक से नहीं आती। और जब बात देश के बचपन की हो तो उनका शुरुआती विकास ही पूरी तरह दूध के भरोसे है। मिलावट के खिलाफ छापेमारी में जिस दूध के सैंपल लिए जा रहे हैं वो जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। बुजुर्गों से लेकर पढ़े लिखे डॉक्टर तक इस दूध का बखान करते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यही दूध अब रगों में जहर भरता जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश भर में लाखों लीटर दूध में जहर मिला हुआ है। आप इसी जहरीले दूध को अपनी सेहत के लिए जरूरी मानकर घटाघट पीते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जो आपकी जिंदगी में जहर भरने का इंतजाम कर रहे हैं और कहां से किस तरह से ये जहरीला दूध बार बार बाजार में आ जाता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विनोद अग्रवाल, जी न्यूज दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज सुबह दूध में जहर की छानबीन का सिलसिला कैसे चला। जी न्यूज आपसे जुड़े हर मुद्दे पर आवाज बुलंद करता है, लिहाजा मिलावटी दूध के खिलाफ मुहिम में भी पीछे नहीं रह सकता। जी न्यूज की टीमें भी मिलावटी दूध के कारोबारियों की तलाश में सरकारी टीमों के साथ थी। काफी सैंपल्स लिए गए और शुरुआती जांच में ही पता चल गया कि 29% दूध में मिलावट की गई थी। राजधानी में दूध का कारोबार करने वालों को जैसे ही पता चला कि सरकारी टीमें जगह जगह छापे मार रही हैं, पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। फूड इंस्पेक्टर के साथ साथ उस इलाके के SDM भी तेजी से दूध के काले कारोबारियों का पता लगाने में जुट गए। छापेमारी के दौरान हर इलाके की सरकारी डेयरी से भी सैंपल लिया गया। इस दौरान जी न्यूज की टीम भी छापामार दस्ते के साथ थी। इस वक्त PFA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन डिपार्टमेंट के फूड इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद है, साथ ही उनके साथ सरस्वती बिहार के SDM रंजीत सिंह भी है। उन्हीं से पूछते हैं कि उनका अभियान अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। हमने शिकायतें मिलने के बाद छापेमारी शुरू की है। अभी तक यहाँ 6 सैंपल लिए जा चुके हैं और ये सभी PFA की लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में छापेमारी में 140 सैंपल लिए जा चुके थे और फिर शुरू हुआ इनकी जांच का काम। जब फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इन सैंपलों की शुरुआती जांच की तो पता चला कि काफी सैंपलों में मिलावट की गई है। अब तक दूध के जो अधिक सैंपल लिए गए हैं एक अभियान के तहत, वो उनकी संख्या 91 है और उसमें से 75 की रिपोर्ट अब तक आ गई है। उस 75 में से 13 सैंपलों में मिलावट पाई गई है। फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये तो साफ कर दिया है कि इन दूध के सैंपलों में मिलावट है,
जो लोगों की जेब और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक है। इन दूध के सैंपलों में किस तरह की मिलावट की गई है इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस छापेमारी में मदर डेयरी और दूसरी बड़ी कंपनियों के सैंपल पूरी तरह सही साबित हुए हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं है। छापेमारी में लिए गए जिन सैंपलों में मिलावट पाई गई है वो सभी छोटी डेयरियों के हैं। दिल्ली सरकार अब इन मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना चुकी है। रिपोर्ट दर्ज करना होता है जैसे कि देश के कानून है और तभी उनके ऊपर नोटिस दिया जाएगा और मामला कोर्ट तक जाएगा। राजधानी में एक बार फिर हुई छापेमारी में कई मिलावटखोरों का भंडाफोड़ हो चुका है। छापेमारी अगले कई दिनों तक जारी रहेगी। मिलावटी दूध के खिलाफ यह अभियान कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि आपको आगे चलकर भी जहरीला दूध न पीना पड़े। इसकी वजह यह है कि अब तक बहुत कम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विनोद अग्रहारी, जी न्यूज दिल्ली। सरकार हर बार मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात करती है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में मिलावटी दूध धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। आखिर क्यों? जी न्यूज की इस मुहिम में आपकी राय काफी मायने रखती है। आप क्या मानते हैं, संगीन जुर्म के बावजूद क्यों जारी है मिलावट? अपने जवाब के लिए, अपनी राय के लिए मैसेज बॉक्स में ZN लेकर टाइप कर स्पेस लिखकर ऑप्शन लिखें। ए ऑप्शन है सरकारी मशीनरी की लापरवाही, इसकी वजह है। बी है आम लोगों की लापरवाही। सी आम लोगों की मजबूरी। और डी भ्रष्टाचार। अपनी राय आप हमें 57575 पर SMS कर सकते हैं। सूरज की तपिश बढ़ते ही देश भर में दूध का उत्पादन कम होने लगता है और मांग कई गुना बढ़ जाती है। मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट का काला कारोबार भी बढ़ता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घरों में सप्लाई होने वाला दूध में कौन कौन से जहर मिले हो सकते हैं। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही दही, लस्सी और तरह तरह के मिल्क शेक जैसे प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ने लगती है। लोग गर्मी दूर भगाने के लिए दूध का सहारा लेते हैं, लेकिन सच ये भी है कि पारा चढ़ते ही दूध जल्दी खराब होने लगता है। कंपनियां दूध की खपत पूरी करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से दूध मंगवाती हैं और इस दूध को खराब होने से बचाने के लिए की जाती है कास्टिंग छोड़ने की मिलावट। एडल्ट्रेशन विभाग को भी दूध में कास्टिक सोडा मिला होने की सैकड़ों शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन इन मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के लिए सरकारी मशीनरी की रफ्तार भी नहीं है। एक टैंकर में दूध नॉर्मल ग्रेड डालते हैं, 4 किलो कास्टिक सोडा डालते हैं ताकि 4-5 घंटे टैंकर में दूध खराब ना हो। अगर दूध में खराब हो भी जाता है तो उसमें 4 किलो कास्टिक सोडा की बजाय 8 किलो कास्टिक सोडा डालते हैं ताकि फटाफट वो दोबारा फिर दूध की शेप में आ जाता है। बात सिर्फ दूध में कास्टिक सोडा मिलाने की ही नहीं है। डेयरी मालिक दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए पशुओं को ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से दूध तो ज्यादा आता है लेकिन इसमें खतरनाक रसायन मिले होते हैं। सप्लाई करते हैं लोग घरों में तो क्या आपको ये पता है कि ये दवाई जो गैर कानूनी है, ये नुस्खे पे लिखी जाए तभी मिल सकती है, शेड्यूल की दवाई? ऐसे इंडिया में हर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसी दवाइयां सब नाजायज है। ऑक्सीटोसिन की बिक्री पर सरकारी पाबंदी है और इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं बेचा जा सकता, लेकिन ये धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ऑक्सीटोसिन के साथ साथ अरारोट और दूसरी चीजों की भी मिलावट की जाती है। मात्रा बढ़ने के लिए दूध में गंदे पानी की मिलावट आम हो चुकी है। शहरों में डेयरियों की भैंसों के लिए पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम नहीं है, उन्हें नालों का केमिकल मिला पानी पीना पड़ता है, इस वजह से भी दूध दूषित हो जाता है। बच्चे को जन्म देते वक्त जो पीड़ा होती है उसे एक माँ ही समझ सकती है, लेकिन गाय और भैंस इस पीड़ा को दिन में 2 दफे महसूस करती है। उसकी वजह है ऑक्सीटोसिन का ये इंजेक्शन। दुधारू पशुओं से जबरदस्ती दूध लेने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है और जहर दूध के जरिए इंसान के खून में पहुंच रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऑक्सीटोसिन वाले दूध की पहचान PFA की लेबोरेटरीज में नहीं की जा सकती। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ विनोद अग्रहारी, जी न्यूज दिल्ली। तो किस तरह पशुओं से ज्यादा दूध लेने के लिए उनके ऊपर किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, वो अत्याचार
सीधे इंसानों में भी पहुंच जाता है। इसके अलावा जब दूध मिल जाता है उस दूध को जहर में तब्दील करने के लिए किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं ये लोग, ये भी हम आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।